आज हम बनाने वाले हैं मीठी चटनी। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे किचन में। चलो सामग्री देखते हैं। काजू, कलौंजी हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून सौंफ और 1 कप गुड़ और इमली का पेस्ट। इमली के पेस्ट को छान लेंगे। चलिए पैन गरम हो गया, इसमें डालेंगे ऑयल और इसमें डालेंगे कलौंजी और डालेंगे सौंफ। और काजू डालेंगे। थोड़ा सा चलाएंगे इसको। इसमें ऐड करेंगे इमली का पेस्ट। अब थोड़ी देर चलाते रहिए। गाइस बहुत टेस्टी बनती है चटनी, आप ट्राई करना, बताना कमेंट करके। उसमें ऐड किया गुड़, जब तक गुड़ घुल ना जाए जब तक चलाते रहिए, उसका कलर चेंज होता जाएगा अपने आप। ये सौंठ है, इसको थोड़ा सा कूट लिया है मैंने। आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पाउडर बना के 1 चम्मच डाल दीजिए। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है चटनी में। चलाते रहिए थोड़ी देर। डालेंगे सॉल्ट थोड़ा सा। चलाते रहिए। देखिए कलर चेंज होने लगा है ऑलरेडी। ये बहुत अच्छी स्वीट चटनी बनती है, समोसे के साथ, कचौड़ी के साथ खा सकते हैं। ट्राई करके बताना, कमेंट करके लिख के बताना। गाइस नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ये चिल्ली पाउडर है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। ऑलमोस्ट रेडी हो गई हमारी चटनी, ये लीजिए अब सर्व करते हैं। कितना अच्छा कलर आया है, कोई होटल जैसे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।